नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। सक्सेस मंत्रा में आज बात हम करेंगे एसएससी बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और रेलवे एग्जाम की। हर साल लाखों युवा हैं जो अपना करियर इस फील्ड में बनाते हैं और युवा अब सरकारी नौकरियों में जाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आप भी किसी भी इस तरह के एग्जाम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ सक्सेस गुरु मौजूद हैं स्टूडियो में बात करने के लिए। जाने माने सक्सेस गुरु नीतू सिंह हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत स्वागत है नीतू सिंह जी आपका स्टूडियो में। थैंक यू। नमस्कार। तो लगातार हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप उन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपका है जो आज हमने टॉपिक उठाया है उससे जुड़ा हुआ, तो आप हमें उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ सकते हैं। नीतू जी आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। भारत में वैसे तो सरकारी नौकरियों का क्रेज शुरुआत से ही रहा है, लेकिन निजी क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर अवसर मिलने से युवाओं का मोह सरकारी नौकरी की तरफ से हट गया था। लेकिन आर्थिक मंदी की मार से सरकारी नौकरी की ओर लोगों का रुझान फिर बढ़ा है। बैंक पीओ, एसएससी और रेलवे लिपिक पद के लिए सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग जरूर है, लेकिन इनके सिलेबस में काफी समानताएं हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त उस एग्जाम की सटीक जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा करके आप वक्त रहते अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के लिए सिलेबस की जानकारी जरूरी है। वैसे तो सभी एग्जाम अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन विषय हैं जिन्हें सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एनालिसिस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इन कॉमन विषयों के अलावा बैंक के एग्जाम में कुछ दूसरे सवाल भी होते हैं, जैसे SBI एग्जाम में बैंकिंग जागरूकता विषय से भी सवाल पूछे जाते हैं। इन एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। हम आपको कुछ आसान टिप्स बताते हैं जिसको अपनाने पर आप एग्जाम में कामयाबी पा सकते हैं। एग्जाम के लिए सक्सेस टिप्स: परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझें, अच्छी रणनीति बनाएं, अच्छी किताबों का चयन करें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, किताबों और इंटरनेट की मदद से नोट्स बनाएं, आत्मविश्वास रखें, टाइम टेबल बनाएं, सभी विषयों के रिवीजन को वक्त दें, अखबार जरूर पढ़ें। ये टिप्स आपके सरकारी नौकरी की राह आसान कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हमने आपको दिए हैं, आप सवाल कर सकते हैं, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और ये तो निश्चित है कि देखिए, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन नीतू जी मेहनत में ही शायद कहीं पर गड़बड़ हो जाती है कि उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं कई बारी। तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप इन एग्जाम्स में SSC, बैंक PO, बैंक क्लर्क के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि सिलेबस ऑलमोस्ट इनका एक जैसा रहता है। देखिए, सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेहनत सब लोग कर लेते हैं, जिनकी भी इच्छा होती है किसी एग्जाम को निकालने के लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा। आपको समझना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे आपने इसमें बताया DI का जो लेवल हाई होता है वो बैंक PO में होता है, SSC में DI का लेवल हाई नहीं होता। दूसरी बात है कि SSC का जो सिलेबस है बैंक PO के सिलेबस से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप SSC में देखेंगे तो आपको एडवांस मैथ्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री है वो बैंक PO में नहीं होता। बैंक PO में DI होता है जो SSC में नहीं होता। वो होता है लेकिन बहुत कम लेवल का, थोड़ा थोड़ा फर्क तो ऑब्वियस है कि है उसमें। यस। और जो इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में अगर आप SSC की तैयारी करेंगे तो हम लोग जैसे ग्रामर पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी करवाते हैं, पैसेजेस करवाते हैं, ये आपको SSC में काम आएगा। लेकिन अगर बैंक PO की बात करेंगे तो बैंक PO में इंग्लिश का लेवल हाई हो जाता है। उसमें अगर आप सोचेंगे ग्रामर वगैरह पढ़ के हम एग्जाम निकाल लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लेवल तक पढ़ने के बाद आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेगा। एक दर्शक है हमारे साथ, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आपसे। आर्यन है हमारे साथ चेन्नई से। स्वागत है आर्यन जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ये, मैं SSC प्री 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेंस मेरा रह जाता है इंग्लिश की वजह से, तो इंग्लिश की कैसे तैयारी करें आप बताएंगे मैडम? ये समझ गए कि जानते हैं कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इसीलिए इन्होंने पूछा है। देखिए, SSC के इंग्लिश का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपका पैसिव वॉइस नरेशन से 45 क्वेश्चन है, इसीलिए उसमें अगर आप कहेंगे 43-44 के ऊपर जाना जरूरी है आपको, क्योंकि वो बहुत आसान होते हैं, सिर्फ सब फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद आप लोग फंसते हो अगर हिंदी मीडियम के छात्र हो आप, तो आप पैसेजेस, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट में फंसते होगे, क्योंकि आप लोग रीडिंग की हैबिट नहीं रखते।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैसेजेस क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं कर पाते हो तो वो नहीं होगा आपसे। इसीलिए सबसे पहले रीडिंग शुरू करिए, कुछ भी रीड करिए जिसमें आपको मन लगे। मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीज हो जिसमें आपकी इच्छा हो कि हाँ बस मन करे कि ये खत्म कर ले तब फिर सोए। हाँ, तो आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी दो बुक्स जो मैंने लिखी है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, अगर आप देख लो तो मुझे लगता है कि एसएससी में उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए पैसेजेस क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए। उसके बाद ग्रामर पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 100 से ऊपर मार्क्स का तो ग्रामर आता है। और वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम का पोर्शन कम है, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी आते हैं। इसीलिए उनके लिए अगर आप देखोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखो। एसएससी में सबसे अच्छी बात है कि इस साल में जो क्वेश्चन आए ना, उसके जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लो ढंग से, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, दो दर्शक हमारे साथ हैं, शाश्वत लखनऊ से हमारे साथ और एक और दर्शक हैं पवन, दोनों का स्वागत है। शाश्वत, पहले आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मैम, बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल की तैयारी में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करें? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि एक ही की तैयारी पे फोकस करना चाहिए हमें। देखिए, अगर आप बैंक पीओ की तैयारी की बात करते हैं, हम लोग जब तैयारी करवाते हैं ना, हम लोग अपने एसएससी के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नहीं, अभी पहले आप पूरा कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर लो, उसके बाद जो थोड़ा पोर्शन रह जाता है, जो बैंक पीओ का पोर्शन है जो एसएससी में नहीं आता, चाहे वो बैंकिंग हो गया, हाई लेवल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का प्रैक्टिस करना हो गया, या डीआई एंड कैलकुलेशन से बेस्ड जो क्वेश्चन हो जाते हैं, उनको हम अलग से क्लासेस में, अलग से बैच में करवाते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर आप दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप दोनों का पैटर्न डिफरेंट है, दोनों के एस्पेक्ट डिफरेंट है। और दूसरी बात, एक चीज और जान लो, बैंक पीओ बहुत तेजी से फटाफट वो अपने एग्जाम्स के पैटर्न को और लेवल को चेंज करती है। इसीलिए पहले आप एसएससी की तैयारी अगर करना चाहते हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन बैंक पीओ का है उसको अलग से करिए। ठीक है, पवन एक और दर्शक हमारे साथ है, स्वागत है पवन जी, क्या सवाल है आपका? मैम, ये एसएससी मेंस में से टैकल करें, पीक्यूआरएस हो गया, पहला जंबल हो गया और क्लॉस टेस्ट हो गया, सबसे ज्यादा टफ हम लोगों को इसमें जाता है, तो इसमें कुछ आप टिप्स देंगे क्या? आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो? जी, मैं केडी कैंपस का पहले स्टूडेंट था, मैंने पढ़ा है मैम से 2-3 महीने लास्ट ईयर मेंस की तैयारी में। आप सुनो, प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो आप पीक्यूआरएस बोल रहे हैं वो सेंटेंस अरेंजमेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश 2-3 महीने का नहीं है, इंग्लिश में आपको कम से कम 6 मंथ्स एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा, और वो भी 6 मंथ्स कब, जब आप ये ग्रामर वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कि आप ग्रामर में तो इक्वल लेवल पे है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में ना हमेशा टॉक इन इंग्लिश कहा जाता है, लेकिन ग्रामर नहीं सिखाया जाता ढंग से। तो ग्रामर में आप उन्हीं के बराबर रहते हो, क्योंकि उनको भी ज्यादा ग्रामर नहीं आता, लेकिन जहां तक अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है आप पीछे हो जाते हो, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। आप एक चीज जान लीजिए, इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आएगा ही, वो तब महसूस आपको होगा ना जब आप उसको समझ रहे हो कि इस सीक्वेंस में इस एक्शन के बाद यही एक्शन होना चाहिए। जहां पे मैं महसूस होगा कि पी के बाद देखो एस आएगा, तो मैं तुरंत देखूंगी क्या कि पी के बाद एस किस ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में जनरली वो 2 ऑप्शन में ही रहता है, तो इस तरह से हमारा जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 को तो निकाल दिया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ये ध्यान रखना, ये हम एसएससी में ये ट्रिक सिखाते हैं कि किस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। लेकिन बैंक पीओ में तो उसी क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चंस होते हैं उसी अरेंजमेंट पे, तो उसको हमें पहले पूरा अरेंज करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, जब तक इंग्लिश समझना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो थोड़ा समझ बढ़ाइए अपनी और थोड़ा सा टाइम और दीजिए, तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ है, गोल्डी है हमारे साथ, स्वागत है गोल्डी जी, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, सवाल पूछ लीजिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने एक बार ग्रामर को जो आप बताते हो रीड आउट कर लिया है, तो मैम उसका जैसे हमें रिवीजन करना है, तो मैम रिवीजन मीन्स किसके थ्रू हम करें तो हमें अच्छा होगा? देखिए, अगर आप प्री के हिसाब से बात करोगे तब तो मैं कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ,
क्योंकि आपका सिर्फ तीन ही होता है जो क्वेश्चन आते हैं डिटेक्टिंग एरर से, एक एक क्वेश्चन आता है सिनोनिम एंटोनिम से, और पैसेजेस से पांच क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा कहना है कि पहले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। रिविजन की जो बात करोगे ना, तो रिविजन में देखना जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, जो होते हैं वर्ब हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन जो मेंस के हिसाब से बात करूंगी मैं, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे वर्ब से रिलेटेड है। उसके बाद बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, हमारे मॉक टेस्ट उठाओ। एसएससी के मॉक टेस्ट ऑनलाइन तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि हमारे स्टूडेंट रहो, आप कहीं कोई भी स्टूडेंट हो संडे को लॉग इन कर लो kdcampus.online, आप एसएससी का मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। दूसरी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, रिविजन का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दीपा एक और दर्शक है पटना से हमारे साथ, स्वागत है दीपा जी, सवाल पूछ लें अपना। यस मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो इतने कम समय में अब हम कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, बस यही बता दीजिए। आपको आपको 137 पता है ना कि 137 इसका कट ऑफ लिया था। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था स्टूडेंट से कि आप पूरा मैथ्स कर लीजिए, पूरा रीजनिंग कर लीजिए, पूरा इंग्लिश कर लीजिए, तो भी क्या 137 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है, रॉन्ग आंसर्स भी होंगे आपके। इसीलिए मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि आप एम्फेसिस करिए किस पर, जीएस पर भी, और जीएस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स एंड जनरल स्टडीज में लास्ट मिनट जो आप टिप्स की बात कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन आने वाला है 16 मई को, उसके बाद मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लास्ट टू मंथ्स में जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, लेकिन इसके लिए आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट होने चाहिए। इसीलिए लास्ट मोमेंट टिप्स तो मैं उनको देती हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, वरना अभी तो फिलहाल आप लोग कंप्लीट तैयारी करें। हाँ, थोड़ा तो टाइम है अभी, और अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिर सक्सेस से कोई रोक भी नहीं सकता है। विशाल एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है विशाल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहूंगा आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट के लिए, बहुत अच्छी बुक थी। और मैम मैं जानना चाहूंगा कि जो आजकल अभी लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी का, उसके लिए जो इंटरनेट पे जो चलता है ना कि हाँ ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हटेगा, वो हटेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत तंग करता है। इतनी तैयारी करते हैं अच्छे से और ये लोग बहुत तंग कर देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि मैम जो अभी एनसीएस का है या अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो एसएससी इस बार जो एग्जाम लेगा वो किस तरीके से लेगा, या उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? ये जो लोग इंटरनेट पे परेशान करते हैं, इनसे कैसे बचें और क्या तरीका रहे? देखो बेटा, बात क्या है ना, कुछ लोग ओवरनाइट फेमस होना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, एसएससी के ऑफिसर्स में जाके वहाँ के जो सपोर्टिंग स्टाफ प्यून्स वगैरह है उनसे कुछ कुछ जानकारी निकालते हैं, अपने आईडी पे डालते हैं और उसको फेमस करने की कोशिश करते हैं, ये अननेसेसरी काम करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, वही मैथ्स, वही जीएस है, बिल्कुल ये सब चीज़ों पर मत पढ़ो, आप ये चारों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो। और कोई नहीं बता सकता क्या चेंज होगा, द रीजन इज जो लास्ट मोमेंट में जो डिस्कशन होता है प्राइम मिनिस्टर और एसएससी चीफ के बीच में, जो मुझे जैसा मैं जानती हूँ रघुपति सर के थ्रू मैं हमेशा टच में रहती हूँ ये सब चीज़ों के, बस उसी समय डिसाइड होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो कि ये चारों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बिल्कुल कान बंद कर दीजिए, कुछ मत सुनिए किसी का, क्योंकि आप पूरे भारत में कोई भी एग्जाम देख लो ना, इन चारों सब्जेक्ट पे ही तो डिपेंड करता है अगर आईएएस पीसीएस को छोड़ दिया जाए तो। इसीलिए आप बिल्कुल यही जो मैंने बताया आपको वही तैयारी करिए, टारगेटेड तैयारी करिए, और कुछ भी मत सुनिए, ये अननेसेसरी, सिर्फ वो फेमस होना चाहते हैं और आप लोग मूर्ख बनते हैं। चलिए अपना फोकस क्लियर रखिए, अपनी तैयारी कीजिए, बाकी तो फिर जो आगे हो रहा है वो तो सामने होगा ही होगा। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ दीपा है, स्वागत है दीपा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? फाइनल ईयर में है अभी कॉलेज में, तो वो एसएससी की तैयारी करना चाहता है और पीओ बैंक की, तो इसके लिए वो कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहता है, तो इसके लिए उसको सजेस्ट कीजिए कि कैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसमें क्या उसको पढ़ाई हो, कैसा हो, वो मुझे गाइड लोग ज्यादा करते हैं आजकल। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे करिएगा तो मैं कहूंगी मेरे इंस्टीट्यूट के लिए कैंपस में आइए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अभी वो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा है,
फाइनल ईयर एग्जाम दे के बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन आप जानते हैं आपको इतना अच्छा लगेगा सुन के, रीजनिंग जिसके पास कॉमन सेंस है वो रीजनिंग कर लेगा, मैथ्स जो आपने टेंथ में पढ़ा है, बस डिफरेंस ये है कि हम एक्स और हंड्रेड से नहीं कराते, हम उसके शॉर्ट ट्रिक्स तरीके समझाते हैं जो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। इंग्लिश वही है जो टेंथ के लेवल का है और जनरल स्टडीज वही है जो टेंथ के लेवल का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सिलेबस है और इसकी तैयारी करके आपको एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रहा है, वर्दी मिल रही है, और आप समझ लीजिए कि आपको एक शान और शौकत का पोस्ट मिल रहा है। बेसिकली क्या होता है, लोग सोचते हैं पोस्ट विद पावर, आप पोस्ट विद पावर चाहते हैं तो आप एसएससी में आइए, लेकिन आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको इजी बैंक लोन्स चाहिए, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि साल डेढ़ साल तक आप दिल्ली में रह सको, तो आप बैंक पीओ में चले जाइए। तो मेरा एक ही सजेशन है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है पहले उसको एसएससी की तैयारी करने बोलिए, क्योंकि इससे बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इंग्लिश का लेवल हाई है, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो वो हाई जाएगा। उसी तरह से आप रीजनिंग में भी हाई लेवल तभी कर पाएंगे जब कॉमन सेंस रीजनिंग हो जाएगा आपसे, तो पहले उसकी एसएससी की तैयारी करवाइए, और अगर दोनों करना चाहता है तो बैंक पीओ, खाली करना चाहता है तो बैंक पीओ। एक और दर्शक हमारे साथ दीपिका है राजस्थान से, स्वागत है दीपिका जी आपका, सवाल ले लें अपना। दीपिका जी सवाल पूछ लीजिए। संपर्क टूट गया उनसे हमारा, लेकिन एक चीज जो विनय, एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से ही, विनय जी स्वागत है, क्या सवाल है आपका? मैम सवाल ये है कि अगर सीबीआई में एसएससी के थ्रू हम जाते हैं तो उसमें हमारा कट ऑफ क्या होना चाहिए? देखिए मैं पूरा हर साल में सब कट ऑफ मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, ध्यान लो एक चीज अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स जनरली मैं जानती थी कि यहाँ पर जरूर मुझसे कट ऑफ पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं देती हूँ जनरली। होता क्या है ना कि ये कट ऑफ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखकर ही हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे कट ऑफ क्या होगा। जैसे इस बार 137 गया था प्री में, मैं आपको समझाती हूँ, जब हमने टेस्ट पेपर आया, आंसर शीट आ गई, हमने जब क्वेश्चन पेपर देखा महसूस हो गया कि क्वेश्चन पेपर्स आसान थे, तैयारी बहुत अच्छे किए हुए बच्चे, इसका मतलब पिछला 120 नहीं इस बार तो आगे जाएगा, देखो 137 चला गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कट ऑफ तब पता चलता है जब आपको ये महसूस हो जाए कि जो एग्जाम के पैटर्न है या क्वेश्चन है वो कोई मतलब अलग से नहीं आ गया, कुछ डिफरेंट नहीं आ गया हो, तभी कट ऑफ हाई जाता है, लो जाता है, अदरवाइज कट ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। और वो तो हर चीज में नजर आ रहा है कट ऑफ, चाहे वो डीयू में एडमिशन की बात हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, कट ऑफ हाई ही जा रहे हैं लगातार। मनीष एक और दर्शक अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ है, स्वागत है मनीष जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मनीष आप हैं हमारे साथ लाइन पर? संपर्क टूट गया उनसे हमारा, कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा बात हो पाए। लेकिन एक चीज देखिए, बच्चे लास्ट मोमेंट जो तैयारियां करते हैं या उनको लगता है कि क्योंकि हम पहले से कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमको मालूम है, यहाँ पर क्या बच्चों से थोड़ी सी गफलत हो जाती है? कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए कितनी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? रोज आप कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़िए। दूसरी बात है किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अवेयर रहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसका सिस्टम क्या है। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि आपको ऐसे देके बिठा दे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे सारा का सारा, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर मॉक टेस्ट करिए और प्रॉपर प्रिपरेशन आप देखिए कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है, आपने आप किस सब्जेक्ट में लैक करते हो, उस सब्जेक्ट को भी ज्यादा। दीपिका एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर जो थी उनसे बात नहीं हो पाई थी, जयपुर से हमारे साथ है, स्वागत है दीपिका जी, सवाल पूछ लें अपना। हेलो जी मैम, एक्चुअली अगर एक बार में अगर सक्सेस नहीं मिल सकती है तो ऐसी क्या चीज है जिससे हम डिमोरलाइज होने के बजाय मोटिवेट होकर नेक्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छे से दे सके? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड होते हैं, कहते हैं हमने छोड़ दिया तैयारी। मेरा यही कहना है कि आपको पता है वो जो फीलिंग होती है ना कि बस छोड़ दो बस हो गया, उस समय ज्यादा होता है जिस समय आपका होने वाला होता है सक्सेस। इसीलिए लास्ट मोमेंट में जब आपको ये फीलिंग आने लगे कि नहीं बस अब हो गया आप नहीं कर सकते, तो एक चीज जान लो अभी तो लाइफ है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या सोच रहे हो आप कि आपका सक्सेस मिल जाएगा उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर एकदम केक वॉक होगा लाइफ? आप मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि एक चीज जान लो आप, आपने तैयारी शुरू कर दी है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो,
आप जानते हो कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप 50% में शामिल हो। बाकी 50% तो ऐसे ही एग्जाम भर देते हो, जाने चले जाते हैं देने के लिए। ठीक है, बहुत लोग तो आप देखोगे, आप जाओगे ना सेंटर्स में तो कई तो सीट्स खाली रहेंगे, वो जाते भी नहीं एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान दो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज लगा लीजिए घर में। एक ही पैटर्न में सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, किसी ना किसी में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और जिंदगी अगर आसान हो जाए तो फिर वो जिंदगी जिंदगी भी नहीं होती है, चुनौतियां आती रहने चाहिए। और उन हर्डल्स को पार करते हुए जब आगे निकलते हैं तो उसका मजा भी शायद अलग ही तरह का होता है, और वो जरूरी भी होता है, क्योंकि हर चीज आपको प्लेटर में सजा कर नहीं मिलती। आप खुद को इमेजिन करो ना, कितने सुंदर कितने स्मार्ट लगोगे आप वर्दी में, बस यही इमेजिन करके आप तैयारी करो। बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करते चले जाए। रजत है हमारे साथ दिल्ली से, एक दर्शक, स्वागत है रजत जी, सवाल पूछ लें अपना। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए मैम। मुझे पूछना था कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, बिकॉज उसका स्कोप समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पे खत्म किया जाए। देखिए जीएस में आपको बता दें एनसीईआरटी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप कहीं पर क्लास कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना अगर खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। सेकेंडली, अगर कोई अगर फ्रेंड वगैरह क्लास वगैरह कर रहा है तो उनके नोट्स को देख के आपको एक ग्लिम्स मिल सकता है कि वो किस किस एरिया को टीचर टच कर रहे हैं। ये दो तरीके हैं, बाकी गाइड वगैरह आपको वो हेल्प नहीं करता, क्योंकि जनरल स्टडीज में कंसेप्चुअल तैयारी करोगे ना तो वो याद रह जाएगा। हाँ। वो रट्टा मारोगे तो वो याद नहीं रहेगा। बिल्कुल, बेहतरीन तरीका यही है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, फिर उसको बहुत सारे ऑप्शंस में आपको आसानी होगी आपको। बिल्कुल, और जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं एनसीईआरटी हमेशा बेस्ट बताते हैं, वो तो जो स्टूडेंट्स हैं अभी और जिनको अभी 10th में 11th में 12th में है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो मार्क्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो, और आगे जो एग्जाम्स होंगे वहां पर भी उनको वो काम आएगी, तो उस लिहाज से भी पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को। सोनीपत से एक और दर्शक गौरव है हमारे साथ, स्वागत है गौरव, सवाल पूछ लें अपना। नमस्ते मैम जी। जी नमस्ते मैम, SSCMTS की इंग्लिश को कैसे टैकल करें? किसे? SSCMTS की में अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें इंग्लिश 50 की आई, तो उसको कैसे टैकल करें मैम? ओके, देखो MTS 10th लेवल का, CHSL 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल का CGL आ गया। अब मुझे आप तीनों का क्वेश्चन पेपर देख के बताना कि किसका लेवल हाई है, किसका लेवल लो है। आपको मैं बता दूं, एक दो साल तो ऐसा हुआ है कि CHSL का पेपर CGL के प्री के लेवल से ऊपर था। इसका मतलब, और एक चीज और जान लो, जो स्टूडेंट्स अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं CGL, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो CHSL भी दे रहे हैं, MTS भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ 10th पास लोगों के साथ नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन उन सबके साथ है जिनके पास अभी जॉब नहीं है। इसीलिए तैयारी करने का जो SSC का पैटर्न होता है वो एक ही पैटर्न है, जस्ट वन पैटर्न है, और वो पैटर्न है जो उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो महसूस होगा। और उसके लिए मैंने जो दो किताबें लिख दी है ना, आप वॉल्यूम 1 पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं गौरव को अपना जवाब मिल गया होगा। और अलावा इसके इंग्लिश की क्योंकि आप बात करिए, अलावा इसके जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, GK है, इन सब में भी किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि कुछ को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लें तो शायद GK कवर हो जाएगा, और कुछ इस तरह की किताबें भी मिलती हैं जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ा देती हैं, तो क्या बेस्ट तरीका रहता है स्टूडेंट? देखिए न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, अवेयर रहना चाहिए ताकि आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स तो इंटरव्यू हट गए हैं, तो कम से कम वहाँ पे एक एनलाइटेंड और एजुकेटेड पर्सन की तरह साउंड करें। लेकिन आपको बता दें न्यूज़पेपर में आने वाले सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते एज फार एज जनरल कॉम्पिटिशन आर कंसर्न। इसके लिए आपको मैगजीन्स वगैरह देखना चाहिए, क्योंकि वो छाट के न्यूज़ देते हैं जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है, आप इंटरनेट में बहुत सारे साइट्स है जो सिर्फ जनरल स्टडीज जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो आप उनमें देखिए, उनमें भी टिप्स दिया रहता है और वन लाइनर दिए रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर अगर आप रीड खाली करोगे और सोचो कि मेरा पूरा जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा, तो बता दूं बैंक पीओ में कुछ कवर नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा किताबों पर भी ध्यान देना चाहिए और इंटरनेट सबसे अच्छा है। हाँ, अवेयरनेस आपके बढ़ते रहने चाहिए और तरीका आप अपना ढूंढ लें, लेकिन प्लस करते जाएं, घटाएं नहीं किसी चीज को। हिमांशु बिहार से हैं और हिमांशु आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे, सवाल पूछ लें। हिमांशु जी स्वागत है आपका। मैडम मैं SSC की बात कर रहा हूँ, इस बार SSC में 60 में टाइम दिया जा रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा सेक्शन में एग्जाम में पहले स्टार्ट करूँ, कौन सा आखिरी में? देखिए अगर आप पेपर की बात करोगे ना तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ऑनलाइन एग्जाम हो गया है उसके कारण थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने रीशफल नहीं कर पाते हैं अपने पेपर्स को, वरना हम लोग हमेशा सजेस्ट करते थे कि रीजनिंग से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग कम समय में मैक्सिमम सवाल हो जाता है,
उसके बाद हम कहते थे कि जीएस कर लीजिए, लेकिन हम लोग जो अब कहते हैं कि अब तो हम लोग बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन सबसे पहले जब शुरुआत की बात कर दें, हम लोग कहते थे पहले जीएस खत्म कर लो क्योंकि जितना आता है उतना ही आएगा, फिर इंग्लिश कर लो, उसके बाद रीजनिंग में टाइम दीजिए, और सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा टाइम आपका मैथ्स में चला जाता है। जीएस इंग्लिश बहुत जल्दी हो जाता है और रीजनिंग जो है बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए रीजनिंग में भी अच्छा टाइम हम कहते हैं देने के लिए, और ज्यादा मैक्सिमम टाइम हम मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा ये ऑर्डर होता था। अब थोड़ा सा ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो गया, ये ऑनलाइन का एग्जाम पहली बार कंडक्ट किया था एसएससी ने, सीफी बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाया एसएससी का, अदरवाइज एसएससी पूरी कोशिश कर रही है सब कुछ सॉल्व करने की। जी, तो चलिए, पैटर्न चेंज होता है, तरीके भी चेंज होते हैं, तो उन पर नजर बनाकर रखिए और प्रैक्टिस जो है फिर वो उन्हीं तरीकों के आधार पर आगे करिए, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको सक्सेसफुल होने से। बहुत शुक्रिया नीतू जी, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ तमाम दर्शक जो जुड़े उन्हें जवाब मिले होंगे, जो दर्शक हमें देख रहे थे उन्हें भी बहुत सारी बातों का पता चला होगा। ढेर सारे दर्शक हमसे और भी बात करना चाहते थे, उनसे माफी जिनसे हम आज बात नहीं कर पाए, आइंदा फिर से हम रखेंगे किसी और टॉपिक को और बात करेंगे अगले हफ्ते सक्सेस मंत्रा में एक नए इशू के साथ। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद आप देखिए गृह मंत्री ने क्यों लगाई ऑफिसर्स की क्लास।